अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर टीएफएस वाला शो वेदर द पॉइंट्स इन वर्सेस 5-2, 5-4 एंड -4-1 आर द वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर एन आइसोसेलस ट्रायंगल। अब ये बताना है कि हमारे पास गिवन जो पॉइंट्स हैं ये किस ट्रायंगल के वर्सेस हैं, यानी कि इक्विलेटरल के या आइसोसेलस के। ठीक है, इक्विलेटरल क्या होती है, इसमें हमारे पास तीनों साइड इक्वल होगी और आइसोसेलस है, आइसोसेलस ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे इसमें हमारे पास जो दो साइड हैं इक्वल होंगी, थर्ड हमारे पास जो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो पहले इनको हम लेट करते हैं पॉइंट्स को, हमारे पास ए है, बी है और सी है। लेट ए हम कहते हैं 5 एंड -2 है और बी हमारे पास 5 एंड 4 है और सी हमारे पास -4-1 है। यहाँ पे आपने यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पहले हम दोनों पे निकालते हैं, ए बी पे, फिर बी सी ए, बी सी पे, सी ए पे, डी इज इक्वल टू ए बी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ हमारे पास पहले ए है फिर बी है, जो फर्स्ट वाला होगा वो एक्स वन और वाई वन होगा, सेकंड वाला होगा एक्स टू वाई टू होगा, यानी ए वाला क्या फिर एक्स वन वाई वन है और बी वाला एक्स टू वाई टू। यहाँ आया फिर आपका 5 - x1 के हम 5 के लिए, वाई टू क्या है 4 - और वाई वन क्या है -2 है। ये दो साइन इकट्ठे अगर ब्रैकेट लगा देते हैं, अब 5 से 5 निकाल देंगे, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 4 - प्लस हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा। अब 0 में इसको प्लस करेंगे ये आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 36 का लेंगे हम स्क्वायर रूट, हमारे पास 6 आएगा। इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। उसके बाद निकालना है आपने बी और सी, डिस्टेंस फार्मूला किस पे लाना है वो आपने बी और सी पे। तो ये बी वाला हमारे पास क्या है, एक्स वन है और वाई वन है, सी वाला एक्स टू और वाई टू है। तो लगाए फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक्स टू क्या है -4 - 5 का स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास ही 1 - 4 का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास है जो b वाला है x1 y1 है, x2 है, y2 है। अब 2 टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है तो प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा। अब वो यहाँ प्लस 1 है -4 है, 4 का स्क्वायर निकाल देंगे -3 का स्क्वायर। अब -9 का स्क्वायर ये क्या है हमारे पास, ये 9 9 = 81, 3 3 = 9, दोनों को प्लस करें ऊपर, अगर हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर को हाथ प्लस करना है तो यहाँ आपका 90 आएगा। अब इसके हम फैक्टर बना देंगे। ठीक है, तो फैक्टर बनेंगे 90 के हमारे पास 2 से करेंगे, 2 4 = 1 क्या होगा एंड 2 5 का। अब 3 से होगा ये 3 1 = 1 क्या होगा 15, 3 5 का, 3 5 = 15 और 5 1 = 1। ठीक है, जहाँ पे आपका 90 वहाँ आएगा, फिर 2 × 3 × 3 × 5। अब इनके तो पेयर बने ना 2 × 3 की पावर 2 × 5। अब जिसके ऊपर पावर 2 है वो आपका स्केयर से बाहर काम आ जाएगी, 3 बाहर आ गया, बाकी आएगा फिर 2 × 5 आपका 10 है। इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद नेक्स्ट वाला आया है क्या निकाल है हमने सी ए, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू हमारा सी और ए। तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। x2 का दिया है हमारे पास सी ए, ये वाला x1 और y1 है, ये x2 और y2 लगा 5 - -4 का स्क्वायर। y2 क्या है -2 and -1, -2 और -1 आपको 1 आ जाएगा 5 - 10 मिलेगा आपका। अब यहाँ हमारे पास टू टर्म्स आपके नेगेटिव हैं, इनको प्लस करेंगे साइन माइनस करेगा -3 का स्क्वायर
में फोर ऐड करेंगे तो नाइन आएगा, नाइन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो नाइन का स्क्वायर नाइन इंटू नाइन 81 आएगा, थ्री थ्री का नाइन प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 का पहले फैक्टर क्या बना चुके हैं, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई फाइव, थ्री की पावर टू आएगा इन टू फाइव। अब ये थ्री है ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, टू फाइव का टेन है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, ठीक है हमारे पास दो का जो आंसर है सेम है ना, तो लिखना है आपने गिवन पॉइंट्स फॉर्म एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यहाँ लिखना है आपने फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री प्रूव दी गिवन पॉइंट्स ऑन ऑन एंड आइसो आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास दो साइड इक्वल हो, एक डिफरेंस को बोलते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका हमारे पास ना जो क्वेश्चन नंबर इसका जो डायरेक्टर करना है आपने वो आपने करना है 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 घर में आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपको वो करना है। ओके अल्लाह हाफिज़।